हाय फ्रेंड्स। सो मेरे को बहुत आदमी बोला कि हिंदी में एक वीडियो बनाओ सर, हमारे को पोल चढ़ना है, पोल किस तरह चढ़ना है और किस तरह उतरना है हिंदी में एक बार हमारे को एक वीडियो बनाओ बोल के मेरे को बहुत आदमी पूछने के वजह मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। सो पोल किस तरह चढ़ना है और बेसिक्स कैसा है, हम सेल्फ प्रैक्टिस करना है तो किस तरह करना है। सो ये वीडियो में मैं टोटली आपको बेसिक से टोटली पोल कैसा चढ़ के उतरना है वो टोटली मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ। एक बार ये वीडियो को अच्छा देखो। फर्स्ट हम पोल चढ़ना है तो पोल चढ़ने के हम चढ़ने के लिए आ रहे हैं तो फर्स्ट हम आके दोनों हाथ हमारे हमारे सर से थोड़ा ऊपर हमारे हमारे सर से एक फिट हाइट पे हमारा सर सर का इक्वल पकड़े तो हमारे को ऐसा कंफर्टेबल नहीं होता पोल चढ़ने के लिए। हमारे सर से थोड़ा एक फिट हाइट को हमारा हाथ दोनों ऐसा ए शेप में आ जाना, हम पोल पकड़े तो हमारा हमारा टू हैंड्स ऐसा स्ट्रेट हो जाना ऐसा स्ट्रेट। और हाथ पकड़ने का किस तरह ना, ये पांच फिंगर से ये फर्स्ट फिंगर ये इनसाइड रहना है, ये चारों फिंगर ये बैक साइड रहना है। पोल पकड़ने का तरीका ऐसा है, ये इनसाइड फिंगर पांच फिंगर में ये दो उंगलियां इसे इनसाइड ये इनसाइड रहना है, ये चार उंगलियां बैक साइड रहना है। टोटली हम पोल पकड़े तो हमारा हाथ दोनों ऐसा स्ट्रेट हो जाना है। ये हाइट को हम पोल को इस तरह पकड़ना है, ओके ये हाइट पे पकड़ना है और इस तरह ही हम पोल पकड़ना है। नेक्स्ट आगे हम बेसिक्स में क्या करना है, पोल पे हमारे को पाँव रखे तो स्लिप हो जा रहा है हमारा पाँव, पाँव किस तरह रखना है और क्या हाइट में रखना है। पोल पे मिनिमम एक दो तीन तीन फीट हाइट पे हम तीन फीट हाइट पे हम फर्स्ट राइट लेग प्रिपरेशन देना है। अपन क्या किस लिए राइट लेग देना बोले तो अपन का स्ट्रेंथ जो है ना राइट लेग से ज़्यादा स्ट्रेंथ रहता है, हमारा राइट लेग में कितना स्ट्रेंथ है उतना हमारे को लेफ्ट लेग में नहीं मिलता है। सो अपन फर्स्ट प्रिपरेशन राइट लेग को देना है। और किस तरह अपन पोल पे पाँव रखना है, ए फिंगर है ना ए वाला फिंगर जस्ट फिंगर रखे तो इधर कट जाएगा, ए वाला प्लेस है ना ए वाला प्लेस अपन पोल के ऊपर रखना है। ये फिंगर से नीचे एक इंच फिंगर से नीचे वाला जो प्लेस है ना ये वाला प्लेस इसको ही रखना है। इसको अपन पोल के ऊपर किस तरह रखना है मैं बता रहा हूँ, एक बार अच्छा देखो। ये देखो फर्स्ट ये फिंगर 90 डिग्री रहना है, स्ट्रेट रहना है और ये डायरेक्शन स्लोप में रहना है, ये पाँव का डायरेक्शन। और ये चार फिंगर्स पोल को ऐसा इस तरह टच में रहना है, ठीक है ऐसा टोटली ये डायरेक्शन में रहना। और अपना ये जो है ना अपना मोकल है ना ये डायरेक्शन ऐसा ही रहना है, टोटली ऐसा रहेगा तो हमारा लोड इस तरफ चले जाएगा, अपना लेग पर्टिकुलरली इसके ऊपर रुक नहीं सकेगा। और अपन को इस पाँव को रखना है तो अपन टोटली इस हमारा घुटने से टोटली अपन लोड देना है, टोटली पुश करना है, बिना पुश कर रहे तो कौन भी रहने दो चुप मामूल का रखे तो पाँव इजीली स्लिप होके आ जाएगा। सो अपन इसको इस तरह टू लेग्स आल्सो सेम एज इट इज रखना है, इसको टोटली ऐसा स्लोप में रहना है, टोटली ऐसा लेग रखे देगा तो भी एल शेप में रखने का, टोटली ऐसा ऐसा रखने से अपना ये फिंगर कटने का चांसेस रहता है, ये वाला प्लेस टोटली फिंगर का नीचे वाला भाग में पाँव का लोड डालना है। नेक्स्ट उसके बाद अपन कैसा है बोले तो स्टैंडिंग, पहला ये दोनों ये हाथ स्ट्रेट रहना है, फर्स्ट पोल के ऊपर चढ़ने के चढ़ रहे बोले तो फर्स्ट आके अपन राइट लेग अपन का राइट लेग लेग्स बना के ये पाँव को पुश करके ये इजी ये वाला पाँव ऊपर लेना है और रुकना है ऐसा। अपन को सीख रहे हैं तो फर्स्ट ऐसा टाइम स्पेंड करना है ऐसा, हाथ में शिवरिंग आया तो थोड़ा बॉडी रिलैक्सेशन करके फिर सामने लेना है ऐसा। अपन को मिनिमम 30 सेकेंड्स 40 सेकेंड्स ठहरना है 50 सेकेंड्स ठहरना है तो अपन में पोल चढ़ के उतरने वाला कैपेसिटी है उतना स्ट्रेंथ है बोल के अपन को आइडेंटिफाई हो जाता। नेक्स्ट क्या करना है बोले तो ये स्टैंडिंग रिलैक्सेशन, ऐसा स्टैंडिंग करने के बाद अपन उतरना कैसा है ऐसा ही, लेकिन यही ऊपर वाला पाँव ही नीचे उतरना है, ओके ऊपर वाला पाँव ही नीचे उतारे तो अपन को ये कॉन्फिडेंस आता है। उसके बाद अपन नेक्स्ट ये 30-40 सेकेंड्स होने के बाद अपन नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट ऐसा होने के बाद ये हाथ है ना इतना नहीं उठाने का, टोटली अपना शोल्डर इतना उठाने का और उतारने का, इतना उठाने का और उतारने का। नेक्स्ट ये होने के बाद नेक्स्ट स्टेप को जाने का, एक स्टेप ओके
ये स्टेप देखो, ये राइट हैंड राइट लेग को उठा लेना, ये हाथ का शेप ऐसा हो जाना। अपन जैसा लेग उठाते हैं अभी ऐसा है, जैसा अपन लेग उठा रहे हैं हमारा शेप ऐसा हो जाना है। ओके, लेफ्ट हैंड लेफ्ट लेग, राइट हैंड राइट लेग, ऐसा ही चढ़ना है। उतरने का सेम, जो पाँव उतार रहे हैं वही हाथ उतारने का, जो पाँव अपना उतर रहे हैं वही हाथ उतरने का ऐसा, और लास्ट में आके टोटली रिलीज होने का। ओके, ऐसा पोल को चढ़ना है। नेक्स्ट अभी कुछ डाउट है ना मेरे को कमेंट डालो, और नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत कुछ बोलूँगा। ठीक है।